बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ वराई कुकिंग के साथ आपका मोहम्मद हुसैन। और आज मैं आप बनाने जा रहा हूँ एक मुनफरिद रेसिपी। आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। आपने आलू आई टिक्कियाँ और चिकन आई टिक्कियाँ तो बहुत खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तिलम आई टिक्कियाँ। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने ले ली दो पीस ब्रेड के, उनको हमने खा लेना है गीला और फिर जितना पानी निकल सकता है हमने निकाल लेना है। फिर हमने इसको खा लिया खुश हाथों की मदद से, हमने इसको दबा कर सारा पानी निकाल लिया है। जी तो अंडे हमने खा लिए थे पहले बॉईल, और इसको हमने डाल लेना है इसमें। हमने ले लिए एक अदद प्याज और एक अदद शिमला, और इनको हमने कर लिया था चॉप, और अब हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच अदरक, लहसुन, दरा मिर्च, नमक, काली मिर्च, जीरा, चाट मसाला हमने ले लेना है इस पे जरूर। जी तभी जिसको हमने खा लिया है अच्छी तरह से मिक्स, और इनकी हमने अब अच्छी तरह से शेप बना लेनी है। शेप आप इनको कोई भी दे सकते हैं। जी तभी सबसे पहले हमने ले लिए हैं तिल, और फिर हमने इसको अच्छी तरह से लगा लेने हैं, फिर हम इसको करेंगे फ्राई। जी तभी टिक्की हमने रख ली है फ्राई पैन में, और इसको हल्का गोल्डन होने तक आपने पकाना है। जी तो देखे इनकी एक साइड होगी सुनहरी, और अब हम इन्हें करेंगे तुलसी चाय। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। आप चाहे तो टोमेटो केचप, मायोनीज और हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जी तो यूज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ऐसी मज़े मज़ेदार रेसिपियाँ चाहिए तो मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।